अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंसीट एंड मेटाफिजिकल पोएट्री। व्हाट इज कंसीट? कंसीट इज एक्चुअली अ टर्म दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट्स इन दैट टाइम पीरियड, एंड दैट टाइम पीरियड वाज 1500 टू 1600, लेट 1500 एंड अर्ली 1600। एट दैट टाइम व्हेन शेक्सपियर वाज अलाइव एंड at that time also John Donne was alive. That was an Elizabethan time period. We can say first start our conceit. Conceit is actually a far-fetched idea. ये एक far-fetched idea है, बहुत दूर से लिया जाता है। दूर से किस तरह कि इसका physics से कोई concern नहीं होता। अब ये वर्ड कंसीट जो है डिराइव्ड हुआ है इटालियन लैंग्वेज से, जो कि है कंसेटो। कंसेटो इज एक्चुअली द वर्ड एंड कंसीट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दैट वर्ड। अब ये एक्चुअली फारफेस्ट आइडिया है क्या? इट इज़ एक्चुअली अ सरप्राइजिंग कंपैरिजन। इट इज़ लाइक अ मेटाफर बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ मेटाफर। मेटाफर तो होता है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देना, लेकिन यहाँ जो है एक कंपैरिजन होता है डिससिमिलर थिंग्स का। अब कंपैरिजन ऑफ टू ऑपोजिट और कंट्ररी थिंग्स, जैसे जिसमें एग्जैजरेशन होती है, ठीक है, दो टोटली ऑपोजिट चीज़ें हो। दो टोटली ऑपोजिट चीज़ें कैसे हो सकती हैं? नेचुरल और सुपर नेचुरल थिंग्स, ठीक है। हॉट है तो उसका कोल्ड के साथ हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होती है, हाइपरबोल यूज़ करते हैं वो मेटाफिजिकल पोइट्स। अब हाइपरबोल या एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई हो जाए तो वो हो जाता है हाइपरबोल। एग्जैजरेशन अब उसने कैसे यूज़ किए मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊँगी। शॉकिंग आइडियाज़ होते हैं कि लिसनर्स जो होते हैं या रीडर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि फौरन से शॉकिंग हो जाते हैं, और मे बी दे लाफ एट देयर एग्जांपल्स। जो पोइट यूज़ कर रहा है एग्जांपल्स उन पे शॉकिंग हो जाए और समटाइम्स दे लाफ। अब डेफिनेशन इसकी देखें कि अ फिगर ऑफ स्पीच विच गिव्स अ स्ट्राइकिंग पैरेलल कंसेप्ट और आइडिया। नेक्स्ट क्या है? इट कंपेयर्स टू डिससिमिलर थिंग्स इज कॉल्ड कंसीट। कैसे कि एक फिगर ऑफ स्पीच है जो हमें एक शॉकिंग पैरेलल आइडिया देता है टू डिससिमिलर थिंग्स का, तो उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? कंसीट। फॉर एग्जांपल जॉन डन की जो पोइट्री है वो 16th सेंचुरी में थे, इज़ फुल ऑफ कंसीट, ठीक है। उनकी पोइट्री क्या है? फुल ऑफ कंसीट्स है। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पोइट्री में कंसीट्स लिए हैं जो कि बियॉन्ड साइंस हम कह सकते हैं। फिर टीयर्स ऑफ हिज बिलव्ड, वो कैसे कहता है जब कि उसकी अपनी पोएम में वो लिखता है कि जब उसने बहुत सारी अदर प्लेसेस पर जाना होता है या वो कहीं सफ़र पर जा रहा है और उस वक्त उसकी वाइफ जो है, जो कि एक बिलव्ड है, बिलव्ड थी उनके साथ उन्होंने शादी की एंड मोर जो थी, और उनके जो टीयर्स हैं उनको जो है एक होल वर्ल्ड के साथ उसने कंपैरिजन किया है कि तुम नहीं रोती उस वक्त, और उस वक्त क्या होता है कि समंदर में जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ जाता है, उसके हवाले से उनके उसके टीयर्स के गिरने को समुंदर के पानी से उन्होंने कंपेयर कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये कंसीट हुआ। आई बॉल इज़ वर्ल्ड, उसकी जो आइज़ हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी आइज़ में पूरी दुनिया दिखती है और मेरी आइज़ में तुम दिखती हो। अब जो आई बॉल है उसका इनसाइड, उस आई बॉल को वो कह रहा है कि यू आर ऑल वर्ल्ड, ठीक है, वो उसको पूरी दुनिया से रिलेट कर रहा है। एंड देन कंपस का वो लेता है एग्जांपल, कंपस की टू लेग्स जो होती हैं उनको कंपेयर करता है खुद से और अपनी वाइफ से। जब वो बहुत से एरियाज़ में विज़िट के लिए जाता है वो उसे ये बता रहा होता है कि मैंने बहुत सी जगहों पर जाना होता है,
लेकिन एक अगर कैंपस की जो लेग है वो स्टिल स्टैंड रहेगी तो दूसरी चाहे वो फुल वर्ल्ड में घूमकर भी आ जाए तो वापस उसको मिलना ही होता है एक लेग को दूसरी लेग से। तो एक लेग को कंपेयर करता है अपने आप से और दूसरी लेग को अपनी वाइफ से कंपेयर करता है कि तुम्हें जो है हमेशा स्टिल रहना है और तुम जब स्टिल रहोगी तो मैंने तो चाहे मैं पेरिस चला जाऊं, इंग्लैंड चला जाऊं या कहीं भी चला जाऊं तो मैंने वापस तो तुम्हारे पास ही आना है क्योंकि अर्निंग के लिए उसे कहीं भी जाना पड़ता तो मैंने वापस तुम्हारे पास आना है। तो कैंपस से वो देता है उसको कंसीट यूज़ करता है। फिर उसके बाद एक पोएम है द फ्ली जिसमें वो फ्ली के बारे में कहता है कि इस फ्ली में मेरा और तुम्हारा ब्लड जो है वो ऐड है। फ्लीज आर रिलेटेड टू सेक्स। तो वो कहते हैं कि हमने विदाउट मैरिज भी हम मैरिज बेड पर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पोएम है सन राइजिंग। सन राइजिंग में वो बोल के ये कहता है कि सन को जो है वो रिब्यूक करता है, डांटता है कि तुम जाओ पूरी दुनिया से घूम कर आओ और देख कर आओ कि क्या बाकी सारे जो प्रिंस हैं, प्रिंस और प्रिंसेस हैं, क्या वो हमारी तरह वो सब जो है हम हमें देख कर परफॉर्म कर रहे हैं कि हम जो है जिस तरह लव मेकिंग कर रहे हैं बाकी प्रिंसेस और प्रिंस जो है वो हमारी तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि प्रिंसेस और प्रिंस एक्चुअली में हम हैं और वो सब हमें देख कर परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ को। वॉट इज मेटाफिजिकल पोइट्री? नेक्स्ट आप देखते हैं मेटाफिजिकल। ठीक है, ये टू टर्म्स इकट्ठी हुई हुई हैं। तो मेटा का मीनिंग होता है अबव या बियॉन्ड और फिजिकल अर्थी कंक्रीट या आप कह सकते हैं कि साइंस या फिजिक कह लें। ठीक है, बियॉन्ड फिजिकल, बियॉन्ड फिजिक या बियॉन्ड अबव लव। ठीक है, पोइट्री है ये। अब पोइट्री जो है कंसर्न करती है विद एब्स्ट्रैक्ट थाट्स। अब एब्स्ट्रैक्ट थाट्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट थाट्स वो हैं जो सिर्फ आपके माइंड में रह रही होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो वो चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती हैं लेकिन दे हैव सम बॉडी बट दैट बॉडी इज़ इन योर माइंड नॉट आउट ऑफ योर माइंड। तो एब्स्ट्रैक्ट थाट्स इनको कहते हैं जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री का एक एलिमेंट है। टर्म जो है कॉइंड हुई थी बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को कॉइन किया था, डिराइव किया था। लेट 15th सेंचुरी एंड अर्ली 16th सेंचुरी पोइट्स हैज़ यूज दिस टर्म। इस टर्म को आलमोस्ट जो 15 और 16th सेंचुरी के पोइट्स थे उन्होंने यूज़ किया और सेक्सुअल डिज़ायर्स इसमें ऐड थी और रिलीजियस राइटियसनेस। ठीक है, लव और एग्जिस्टेंस ये जो सब चीज़ें थी इनकी पोइट्री में डिस्कस हुई हैं एज ए सब्जेक्ट। फिर एलिमेंट्स जो हैं इस पोइट्री के, मेटाफिजिकल पोइट्री के, वो हैं सिमिलीज, मेटाफर्स, इमेजरीज। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं लेकिन वो एग्जैजरेशन में जाकर चीज़ें यूज़ की हैं। ठीक है, सिमिलीज तो नॉर्मल होती हैं, मेटाफर्स भी और इमेजरीज भी। तो मेटाफर जिस तरह हमने कहा कि कंसीट भी एक मेटाफर ही है लेकिन यहाँ पे जो एग्जैजरेट करके उसने यूज़ किया। फिर लीडिंग पोइट जो थी इस मूवमेंट के वो थे जॉन डन। ओके, तो हम देख रहे थे कि लीडिंग पोइट जो है वो जॉन डन है और इनकी जो एक पोएम थी गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इसमें उन्होंने 7 अनइम्पॉसिबल थिंग्स कहीं कि तुम ये 7 अनइम्पॉसिबल थिंग्स करो, कर लोगे लेकिन एक जो लॉयल लेडी है वो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये हम पोएम में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। अनकन्वेंशनल इमेजरीज उन्होंने यूज़ की हैं जो आम रूटीन में जो यूज़ हुआ करती थी वो नहीं, रूटीन से हटकर एक कन्वेंशनल होती है और एक अनकन्वेंशनल होती है। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि मेटाफर जो है वो एग्जैजरेट करके कंसीट बन जाता है और कन्वेंशनल नहीं, उन्होंने अनकन्वेंशनल इमेजरीज यूज़ की हैं। सिंपल नहीं, जैसे एक एनिमल इमेजरी हो गई जैसे टेड ह्यूज़ ने यूज़ की अपनी पोइट्री में, फिर हम कलर इमेजरी कह सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी इमेजरीज हैं लेकिन इन्होंने अनकन्वेंशनल इमेजरीज यूज़ की हैं जो कि टोटली बियॉन्ड फिजिक या बियॉन्ड साइंसेस हम कह सकते हैं। फिर उन्होंने प्लेटोनिक लव के बारे में बात की है,
जॉन डन ने बहुत ज़्यादा अपनी बहुत सी पोइम्स में उन्होंने प्लेटोनिक लव को यूज़ किया है। अब ये प्लेटोनिक लव क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं आपको कैसी वीडियो लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। अदरवाइज़ मेरा ये इरादा है कि मैं जॉन डन की पोइट्री को स्टार्ट करूँ, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।